नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ कम लागत में, कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा कमाने का एक बिजनेस आइडिया। कैसे? इंडिया की बेस्ट पानी पूरी मशीन में पानी पूरी बना के, जो मशीन लाया है जैक्सन मशीन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पानी पूरी कैसे बनाई जाती है और इसमें कितनी लागत आती है और इससे आपको कितना मुनाफा होगा। तो चलो मैं आपको लेके जाता हूँ पानी पूरी मेकिंग मशीन के पास। सबसे पहले गूंदे हुए आटे को इस तरह मशीन पे रख देना है। मशीन ऑटोमेटिकली पूरी को कट कर देगी और ऑटोमेटिकली कपड़े पर बिछाते जाएगी। इस तरह कपड़े को एक के ऊपर एक रखते जाना है। इसमें दोस्तों एक घंटे में 25,000 पूरी आराम से निकल जाती है। मशीन एकदम साइलेंट चलती है, एक किसी भी प्रकार का आवाज नहीं करती और इसे आप घर पे भी चला सकते हो। इसमें छोटा मशीन भी आपको चाहिए तो कंपनी से मिल जाएगा, उसमें कम पूरियां निकलती है। आप आपकी जरूरत के हिसाब से मशीन खरीद सकते हो। दोस्तों इस मशीन की खास बात यह है कि इस मशीन में कोई भी मेंटेनेंस नहीं आता, क्योंकि कंपनी वालों ने इस मशीन में सभी स्टैंडर्ड पार्ट यूज किए हैं। अब बारी है पूरी को तलने की, तो चलो दिखाता हूँ पूरी को कैसे तला जाता है। आपको ये मशीन खरीदनी है तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर कॉल करके भी आप खरीद सकते हो। इस तरह से पूरी को तला जाता है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी पूरी फूली है, एक कमाल जैक्सन मशीन का है। दोस्तों हमें एक पैकेट 18 से 22 रुपए में पड़ता है। हमारी लागत कम होती है क्योंकि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। हर रोज़ 100, 150, 200, 300 केजी बनाते हैं। हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बनाते हैं, उसी हिसाब से हमारी लागत कम आती है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी पूरी फूली है। इस मशीन को बुक करने के लिए या तो मशीन की जानकारी पाने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन कीजिए, आपको पूरी सहायता मिलेगी। अब बारी है पानी पूरी को पैक करने की, तो चलो मैं दिखाता हूँ कि पानी पूरी को कैसे पैकिंग किया जाता है। देखो ये है 100 पूरी का पैकेट और इसमें 1000 पूरी का पैकेट भी होता है। तो इस तरह से पानी पूरी को पैक किया जाता है। पूरी तलने के बाद इस तरह से कड़क और क्रिस्पी बन जाती है कि उसे देख के किसी को भी खाने का मन हो जाए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए मशीन के साथ, एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और तरक्की करते रहिए।